हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गायत्री किचन में। आज हम आपको टमाटर का अचार बनाना सिखाएंगे। इस अचार को कम से कम 6 महीने से 1 साल तक आप बिना किसी प्रिजर्वेटिव ऐड किए खा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। टमाटर का अचार बनाने के लिए हमने अच्छे लाल पके हुए टमाटर लिए हैं। सबसे पहले टमाटर को अच्छी तरीके से धो लें और धूप में सुखा लें। आप चाहे तो किसी कपड़े से टमाटर को अच्छी तरीके से पोंछ लें, क्योंकि अगर पानी की एक बूंद भी टमाटर पे रहेगा तो आपका अचार खराब हो जाएगा। टमाटर के अचार बनाने में जो बाकी चीजों की जरूरत है वो इस प्रकार है। 1 गांठ लहसुन का, जिसे हमने छील लिया है, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता, 4 से 5 हरी मिर्च। इन चीजों को अच्छे से धो लें और सुखा लें, क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो आपका अचार खराब हो सकता है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच काला सरसों, जिसे हमने पीस के पाउडर बना लिया है, 1 चम्मच पचफोरन। पचफोरन बनाने की विधि हम इस वीडियो के लिंक में डाल देंगे, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 कप सफेद सिरका, 150 ml सरसों का तेल और हींग 2 से 3 चुटकी। हमने टमाटर को 4 पीसेस में काट लिया है। ये करीब 1 किलो टमाटर है। हमने अदरक और लहसुन को दरदरा पीस लिया है और हरी मिर्च को काट लिया है। तो चलिए अब हम टमाटर का अचार बनाते हैं। हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है और अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें 2 से 3 चुटकी हींग डालेंगे, पचफोरन डालेंगे, पिसा हुआ अदरक और लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। पिसा हुआ सरसों पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे। और धनिया पाउडर। और इसे अच्छे से चला लेंगे। हमारे गैस का फ्लेम मीडियम है। और अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे। देखिए, हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है और अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। और अब इसमें करी पत्ता डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे ढक देंगे। हमारे गैस का फ्लेम मीडियम है। टमाटर का अचार बनके तैयार हो गया है और अब हम इसे ग्लास के जार में भर लेंगे। टमाटर का अचार बनके तैयार हो गया है। आप इसे पराठे के साथ, दाल चावल के साथ खा सकते हैं। आप इसको बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हैं। इस अचार को बनाने में हमने काफी कम तेल का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट करें। थैंक यू।